दोस्तों, यह है सैमसंग गैलेक्सी A34 एंड गैलेक्सी A23 5G। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फ़ोन के बीच एक कैमरा कंपैरिजन। और यहाँ प्राइस का जो डिफरेंस है वो 5 या 6 हज़ार रुपये है दोनों फ़ोन में। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों फ़ोन में से आपको किस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले दोनों फ़ोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन से। अगर यहाँ बात करें सैमसंग गैलेक्सी A34 के कैमरे की, तो इसके बैक पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है एंड 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। और एक एलईडी फ्लैश का भी ऑप्शन आपको इसके रियर कैमरे पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करें गैलेक्सी A23 5G की, तो इसके बैक पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो f1.8 अपर्चर के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको एक मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक एलईडी फ्लैश का भी ऑप्शन आपको इसके रियर कैमरे पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात करें दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स की, तो दोस्तों दोनों फ़ोन के रियर पर आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कैमरा मोड्स की अगर बात करें, तो दोनों फ़ोन के मोड में जाकर आपको कुछ ये कैमरा मोड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ गैलेक्सी A34 में आपको कई सारे एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि A23 में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि दोनों फ़ोन में आपको नाइट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन का ऑप्शन आपको दोनों फ़ोन में मिलता है, लेकिन सुपर स्लो मोशन एंड हाइपरलैप्स वीडियो का ऑप्शन आपको केवल A34 5G में ही मिलता है। अब दोस्तों, दोनों फ़ोन की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो A34 से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वहीं A23 5G से आप ओनली फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहां से आप दोनों फ़ोन के लिए अल्ट्रा वाइड लेंस भी चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों, यहां हम बात करें दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरे की, तो गैलेक्सी A34 में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, तो वहीं गैलेक्सी A23 5G में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरा फीचर्स की बात करें, तो दोनों फ़ोन के फ्रंट पर आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा मोड्स की बात करें, तो दोनों फ़ोन के फ्रंट पर भी आपको वही सेम कैमरा मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों फ़ोन के रियर पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। और इसके लास्ट में दोस्तों, अगर बात करें दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरा वीडियो की, तो गैलेक्सी A34 से आप यहाँ भी 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं गैलेक्सी A23 5G के फ्रंट कैमरे से आप ओनली यहाँ पर भी फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स। अब चलते हैं दोनों फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी की ओर, और देखते हैं कि इस फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी एक दूसरे से बेहतर देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ दोनों फ़ोन की अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें, तो गैलेक्सी A34 5G में आपको थोड़े शार्प कलर देखने को मिलेंगे, वहीं इसमें आपको थोड़ा सा येलो टोन का इशू भी देखने को मिल सकता है। वहीं A23 5G में आपको बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल कलर देखने को मिलते हैं। हालांकि डिटेलिंग के मामले में दोनों फ़ोन काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। और जो छोटे ऑब्जेक्ट पर अगर फोकस की बात करें, तो यहां पर आपको A23 5G छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस करने में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जितना अच्छा आपको A34 में फोकस देखने को नहीं मिलेगा। डिस्टेंस फोटोग्राफी के मामले में मुझे A34 थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है। वहीं दोस्तों, अब बात करें दोनों फ़ोन की पोर्ट्रेट पिक्चर्स की, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर गैलेक्सी A34 5G की पोर्ट्रेट पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू A23। दोस्तों, यहाँ पर जो A34 में स्किन टोन है और जो कलर टोन है, वह आपको थोड़े शार्प और अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्यूटी इफेक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जबकि A23 5G में आपको ब्लैक स्किन टोन देखने को मिलती है और कलर्स भी आपको थोड़े डल देखने को मिलेंगे। तो पोर्ट्रेट कंडीशन में मुझे A34 अच्छा देखने को मिला है। अगर यहाँ दोस्तों दोनों फ़ोन की सेल्फी की बात करें, तो ये है दोनों फ़ोन की सेल्फी। सेल्फी में अगर स्किन टोन की बात करें, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बेहतर A34 की देखने को मिली है। हालांकि किसी किसी सेल्फी में आपको दोनों फ़ोन की सेल्फी बिल्कुल सिमिलर सी देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप क्लोज से देखोगे, तब आपको थोड़ी सी बेहतर A34 की देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्किन टोन भी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा कलर्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, जबकि A23 5G की सेल्फी में आपको थोड़े धुंधले टाइप के कलर्स भी देखने को मिल सकती है किसी किसी पिक्चर्स में। अब पोर्ट्रेट सेल्फी की अगर बात करें, तो ये है दोनों फ़ोन की पोर्ट्रेट सेल्फी। यहाँ पर भी मुझे A34 की पोर्ट्रेट सेल्फी अच्छी देखने को मिली है। हालांकि एज डिटेक्शन दोनों फ़ोन का ठीक ठाक है, लेकिन बस सिर्फ फ़र्क है तो स्किन टोन का। तो स्किन टोन के मामले में भी A34 अच्छा देखने को मिला है। सेल्फी
मुझे A34 की थोड़ी सी बेहतर देखने को मिली है। अब लोलाइट पिक्चर्स की बात करें तो दोनों फोन की लोलाइट पिक्चर्स काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन कंपैरिजन वाइज मुझे A34 की लोलाइट पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। यहाँ पर आपको शार्प कलर देखने को मिलेंगे, इसके अलावा फोकस के मामले में भी A34 थोड़ा सा आपको बेहतर देखने को मिलेगा, कलर्स भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। डिटेलिंग हालांकि दोनों फोन में आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, फिर भी दोस्तों कंपैरिजन वाइज मुझे A34 लो लाइट में अच्छा देखने को मिला है। अब यहां पर दोनों फोन की अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहां पर हमने दोनों फोन से फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड किया है। वीडियो में सबसे पहले अगर बात करें कलर्स की तो A34 में आपको वीडियो में भी थोड़ा येलो टोन का इशू देखने को मिल सकता है, A23 5G में आपको बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल कलर ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अब बात करें फोकस स्पीड की तो फोकस के मामले में दोनों फ़ोन ठीक ठाक है, लेकिन वीडियो में छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस करने में A34 थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करें तो दोनों फ़ोन में आपको यह ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वीडियो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टेबल देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोनों फ़ोन की वीडियो में आपको डिटेलिंग भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था A34 5G एंड A23 5G के बीच एक कैमरा कंपैरिजन। अगर ओवरऑल दोनों फ़ोन की बात की जाए तो दोस्तों हालांकि आउटडोर कंडीशन में थोड़ा सा येलो टोन का इशू आपको A34 में देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और कहीं भी मुझे इस फ़ोन के कैमरे में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। हालांकि A23 5G का कैमरा भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, बट दोस्तों कुछ कंडीशन में A34 का कैमरा मुझे ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा A34 में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यही था बस आज की इस वीडियो में।